इसका रंग चेंज हो जाए, ये क्या है? अल्लाह हर साल नया नया लाते, अच्छी बार नया देखो गोविंद नगर। गोविंद नगर में क्या एक्सक्लूसिव इस टाइम हो रहा है, क्या डिजाइन्स निकल के आए हैं, क्या आखिर की डिटेलिंग हो रही है, सब दिखाएंगे। तो ये है गोविंद नगर पार्ट 6। तो इसमें मैं आपको बता दूं, कुछ एक ऐसा दावा किया गया है गोविंद नगर के द्वारा जो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हूं रक्ष, आप देख रहे हैं रक्ष दिखाएं व्लॉग्स, लेट्स गेट स्टार्ट। तो भाई लो, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आ चुका है गोविंद नगर पार्ट 6। तो भाई ये पार्ट 6 है, तो भैया अपना साथ है, तो गोविंद नगराज और रावण है। मैंने आपको टॉप 10 रावण में इसकी पूरी डिजाइन एक्सप्लोर करा के दिखा दी थी। तो भाई अभी तो फिलहाल ये ढका हुआ है, धूप वगैरह से इसका कलर जो है वो चला जाता है, इस वजह से इस टाइम पे धूप वगैरह की वजह से रोका गया है। बाकी आप लोग तो जानते ही हो, ये पूरा रावण रहने वाला है, पूरे डिजाइन रहने वाले है, और ये पूरा 3D है। बाकी ये मेघनाथ वगैरह कुंभकर्ण है, जिसका डिजाइन मैं आप लोग को पहले ही एक बार दिखा चुका हूँ, ये देख लो एक बार फिर से। बाकी इस बार सुनने में कुछ और आ गया है बहुत बड़ा गोविंद नगर को लेके, तो वो क्या बात है भाई बताओ जरा। तो भाई साहब आपने आ चुके हैं, तो भाई क्या इस बार मतलब ऐसा कर दिया है जो मुझे बताया जा रहा है कि ये रावण जब खड़ा होगा तब इसका रंग चेंज हो जाए, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये जादूगर होते हैं ना, जादूगर होते हैं, हाँ। करेंगे इसके साथ। ये तो मतलब हाँ। एक कुछ अलग से ही तथ्य है, मैजिक है या जो भी कह लो। यहाँ पे भाई दावा कर रहे हैं कि जब ये रावण खड़ा हो रहा होगा, अभी आपको इसमें पिंक कलर दिख रहा है जैसा कि सबको दिख रहा है, ये चेंज होगा। तो ये क्या मतलब, इसका कुछ तो दोगे, कैसे हो सकता है? हाथ भी नहीं लगाओगे, और ये दावा पक्का है, ये तो नहीं कुछ वो हो। तो भाई देख सकते हो लिखा था भाई कह रहा है, तो भाई देख सकते हो। तो यहाँ पे तो आना पड़ेगा भाई, दहन वहन आपको सब दिखाऊंगा, और कमेंट करके बताओ आपको दहन वगैरह देखना है कि नहीं। बाकी भाई अभी ब्लू कलर में है और पिंक कलर में, गोल्डन कलर में, तो ये कैसे कलर चेंज होगा आई डोंट नो, ये तो मुझे खुद को भी नहीं पता, ये तो अपने कार्यकर्ता जो यहाँ कार्य करते है वो जाने। हर साल नया नया लाते, अबकी बार नया देखो, ये तो भाई बहुत ही नया हो जाएगा अगर रंग चेंज कर गया कोई रावण बनने के बाद, तो ये कुछ ज्यादा। तो ये अपने अनमोल भाई जाने, अंकल भाई जाने, सब अंकल लोग जानते हैं कि क्या है ये। और खड़ा होने के बाद देखो कुछ और, लो भाई इतनी बड़ी चीज बता रहे हैं, लगा हुआ है ना ये कुछ है। एंड उसके बाद आप लोगों को मैं दिखा दूं कि डिजाइनिंग वगैरह भी यहाँ पे हो चुकी है, हाँ रावण के कड़े भी आ चुके हैं, ये देखो ये कड़े आ गए, ये डिजाइन आ गया, तो ये पूरा डिजाइन है। और एक चीज और दिखा दूं, फिलहाल के टाइम पे फिर से बारिश हो रही है, और देखो वाटरप्रूफ कागज अपना काम कर रहा है। हमारे गुरु जी है जो पहले डिजाइन डालते थे, ये अब इनके चलते हम सीखे थे हमने डिजाइन, तो हम डालते हैं। तो जो मेन डिजाइनिंग वगैरह का काम है वो इनका है, तो ये मेन डिजाइनिंग डालते हैं 3 पुतलों में, तो ये आप लोग देख सकते हो। बाकी अभी पुतले और दिखाता हूँ, सब बताता हूँ। ये जो है अपना कुंभकर्ण है 4 हाथों का, इसका भी मैंने आपको डिजाइन दिखाया था। बाकी इसके अंदर जाने का रास्ता अभी भी है, बाकी ये भी एक छोटा गोविंद नगर रखा हुआ है, ये भी आपको दिखाऊंगा अभी सामने से। और ये है अपना मेघनाथ, अभी फिलहाल के टाइम पे सब ढके हुए हैं। तो भैया इसका भी कलर वगैरह कुछ चेंज होना है या सिर्फ रावण का? नहीं रावण से चेंज होगा, सिर्फ रावण का कलर चेंज होगा, ये 2 पुतलों का नहीं होगा। तो भाई ये कुछ एकदम नया पता चला है। बाकी ये देखिए पूरी डिजाइनिंग, ये भी डल गई है, ये भी डल गई, उस टाइम पे नहीं थी। एंड भैया इसकी बैक कब तक बनेगी? बैक वो ऐसे ही रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा, तो ये जो मतलब है इस पे यही कागज रहेगा, मतलब यही रहेगा, तो आप लोग देख सकते हो। बाकी कर चुके है ना, तो मतलब अभी तक जितनी ऑडियंस ने देखा है कि भाई रावण इस कलर का हुआ है, तो वो कॉपी ना मान ले, इसलिए आपने कुछ और नया लुस्का निकाल लिया कि कलर ही चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। भाई साहब ये बहुत बड़ी एक दावा कर रहे हैं, अब मुझे नहीं इसके बारे में पता कि क्या सच्चाई है क्या नहीं। बाकी यार रावण देख सकते हो अभी भी बिल्कुल टाइट है, कुंभकर्ण देख लो, एंड ये है अपना छोटा गोविंद नगर, मिनी गोविंद नगर, चलो ये भी दिखाते हैं आपको। कुंभकर्ण जिसके 4 हाथ रखे गए हैं इस बार, सबसे विशाल काय इस बार का यही है, और जो सबसे मेन अट्रैक्शन है वो यही है। तो भैया इसके 4 हाथ रहने वाले हैं, देख लो, और डिजाइन फिर से एक बार रिवील करता हूँ।
परसों घांगरी बन जाएगी, देख लो यार। ये देखो भाई अंदर घुस घुस के दिखा रहा तुम लोग के लिए, बंदी हुई है फिलहाल। तो ये देखो पानी बरस रहा है भाई, प्रार्थना करो पानी बरसना बंद हो तब तो रावण दहन होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक छोटा रावण है, मिनी गोविंद नगर, बिल्कुल जो है गोविंद नगर की हूबहू नकल है, बस छोटा है, सेम मूछे सेम दाढ़ी सब कुछ सेम है, सब कुछ नक्षत्र पूरे सेम है। तो ये ऑर्डर पे बना है तो आप देख सकते हो। तो भैया ये कहाँ का रावण है? ये है 13 ब्लॉक, ये 13 ब्लॉक का है। तो ये कितने फुट का रहने वाला है? ये कम से कम 40 फुट का है। ये 40 फुट का है और इसमें भी सिल्वर कलर रहेगा या कुछ और कलर रहेगा? इसपे भी सिल्वर कलर रहेगा, मूछे वैसी रहेंगी, सेम तो नकल उसका चेहरा बने, सेम जो गवर्नर बनता वही बनेगा, बस मिनी रहेगा, मिनिएचर है ये। तो ये भी आप देख सकते हो कलाकृति की, मतलब जो बड़ा बना सकते हैं वो छोटा भी बनाते हैं और एकदम एग्जैक्ट सेम बनाते हैं। देखो बिल्कुल सेम दाढ़ी है, सेम कटआउट है, सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो ये जो है गवर्नर पार्ट 6 आप लोगों के लिए मैं स्पेशल रिक्वेस्ट पर ले आया हूँ और पूरा दिखा दिया। बाकी काम और डिजाइनिंग और हो रही है, और एक जो नई चीज़ पता चली कलर चेंजिंग है, वो भी आपको सारा कुछ आने वाले फ्यूचर में पता चल जाएगा। ज़्यादा दिन आप बचे नहीं है, जल्दी जल्दी आप लोगों को सब बता दूंगा। पर मेन चीज़ ये है कि ये बारिश रुके तब पूरे कानपुर में दहन होना चालू हो रावण का और आगे कार्यक्रम बने। तो भाई ये देख लो 2024 का पूरा मुंह फाइनल डिटेल हो चुकी है ना भाई, तो ये फाइनल डिटेल हो चुकी है इसके अंदर, देख लो। थोड़ा बहुत 1-2 इंच का काम बाकी होगा, जरा बहुत बाकी, ये फाइनल डिटेल हो चुकी है। बाकी ये देख सकते हो पूरा फेदर है, ये दिखा चुका हूँ आपको हर बार। एंड ये आप देख सकते हो सारे रावण के मुंह चेहरे तैयार है। ये कहाँ का है भाई? ये अलावा का है, तो ये आप देख सकते हो। और ये वाला ये मूसा नगर का, और ये जो बॉडी रखी गई है ये कहाँ की? ये रामलला की बॉडी है भाई, देख लो पूरी मैंने आपको यही दिखा दी। एंड ये है रावण का मुकुट जो है 2024 का सबसे बड़ा, जिसपे भाई लोगों ने चैलेंज भी दिया है इस बार का कि मुकुट ऐसा कोई बना के खड़ा नहीं कर सकता। 35 फुट का पुतला भी है नाम भाई, 35 फुट का पुतला देगा नाम रवे जय शास्त्री का पुतला। ये छोटी सेंटर का जो है रावण देख लो आप लोग, ये पुतला है, सर धड़ मैंने आप लोगों को वहां दिखा दिया था, सर ये है जो कि आप लोगों के सामने है। एंड ये जो मुकुट है इसके पीछे ये किसका है? ये कुंभकर्ण का है। ये कहाँ के? अपने ये वाली जो है, ये वाली कहाँ की है? नवस्था की है। और देखो ये वाले जो पैर हैं ये कहाँ के हैं? कुंभकर्ण मेघनाथ के। ये कुंभकर्ण मेघनाथ के सिर्फ भाई पैर ही देख लो, इतने इतने बड़े बड़े कि छतों में छू रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं भाई 105 फीट हाइट नहीं है, 105 फीट हाइट नहीं है, सब झूठ बता रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहोगे आप? जब हमारा रावण खड़ा हो जाए तो अपने आप सकते हो फीते से। तो भाई यहाँ तक ये बोल रहे हैं कि आप लोग आओ और फीते से नापो, बाकी तो मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगा ही, ड्रोन वगैरह से दिखाऊंगा, उसमें भी हाइट आपको नपवा दूंगा जो होगी। एंड बाकी ये जो छोटे हैं ये ऑर्डर वाले हैं, तो ऑर्डर पे भी आप बनवा सकते हो, सब बिक चुके हैं ये पहले से ही, बन के रेडी हो चुके हैं। ये वाला भैया कहाँ का है? ये वाला जी भाई निराला नगर का स्कूल, ये निराला नगर स्कूल का है भाई। इतना बड़ा रावण, ये कितना बड़ा रावण होगा? ये वाला 40 फुट का, और इसमें भी वाटर प्रूफ वो लगा है कागज, इसमें भी देख लो भाई वाटर प्रूफ वाला सामान लगा है। ये 10 सर रखे गए हैं। एंड फिर से मैंने आपको पूरा पार्ट ला दिया, वो पीछे जो है मेघनाथ का है ना, वो मेघनाथ का सर पड़ा है भाई देख लो। तो मैंने आपको फिर से एक बार लाके यहाँ का पार्ट दे दिया है। और भैया जो मेन अट्रैक्शन है इस बार की कंकाल जी, वो कहाँ पे है इस समय? कंकाल ऐसे ऊपर पड़ा हुआ है, तो चलो दिखा दो एक बार। हम लोग ऊपर आ चुके हैं एंड यहाँ पे देखो भाई ये है कंकाल है ना, ये है कुंभकर्ण का कंकाल, ये कुंभकर्ण का कंकाल है जो हाथ में दिया जाएगा इस बार का सबसे मेन अट्रैक्शन जो इस बार की रहने वाली है। तो भाई ये कंकाल कितने फुट का रहने वाला है? जी कंकाल है 12 फुट का, ये 12 फुट का भाई सिर्फ कंकाल रहेगा, 12 फुट के लोगों के रावण रहते हैं और यहाँ पे सिर्फ कंकाल दिया जाता है हाथ में डिजाइनिंग के लिए भाई देख लो। और बाकी यहाँ पे पैर वगैरह जूते भी रखे गए हैं कुंभकर्ण की तलवार रखी हुई है, ये कुंभकर्ण की तलवार है देख सकते हो भाई, खुला जगह होगा इन्होंने मैदान लिया हुआ है। तो देख सकते हो ये भी भाई देख लो एक रावण यहाँ की कारीगरी। एंड ये जो है ये किसका है? ये छत्र ये अपने रावण का है जी, मल्लावा का, ये मल्लावा का है देख सकते हो। और यहाँ पे देख लो पूरा सामान रखा गया है, सब कुछ यहाँ पे रखा है, 10 सर अपने रावण के ये रखे गए हैं देख लो भाई। और ये पूरी तलवार है देखो भाई, रावण की तलवार है ये सबसे बड़ी वाली, एंड ये कुंभकर्ण की है भाई, मेरे न मार देना तुम। ये देख लो 7-7 फुट के अकेले सिर्फ ये चेहरे, 10 सर है ना, 7-7 फुट के ये अकेले 10 सर है देख लो भाई। और ये पूरा सारा सामान रखा गया है, जूते पैर वगैरह सब है यहाँ।
हाँ जी, तो वीडियो अच्छी है खत्म। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। तो भाई गोविंद नगर में कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब कलर चेंज कर देंगे भाई रावण का, तो देखो एंड में जाके क्या होता है, मेरे हिसाब से क्या होगा। मैंने तो कुछ सोचा है माइंड में, अब मुझे नहीं पता वो होना है कि नहीं, बट अब क्या होता है ये तो सब एंड में ही पता चलेगा। तो अब मैं लेके आऊँगा जल्दी आप लोगों के लिए इसका जो ये कलर चेंजिंग वाला सीन है, इसको मैं एक्सप्लोर करूँगा जल्दी। तो ये था पार्ट 6, अगर और पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दो, एंड अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो अपने सभी दोस्तों, शेयर कर दो एंड लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करना मत भूलना। तो मिलूंगा आपसे अब किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।